नहीं लौटी प्रीता की याददाश्त। करण ने राजवीर को बताया खास, क्योंकि दोनों के दिल हैं एक दूसरे के पास। बात हो रही। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। यह जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य की, जहां के आने वाले एपिसोड में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहां पर जो है प्रीता सृष्टि से कहती है कि मुझे ना सब कुछ याद आ गया है। तब सृष्टि टेंशन में आ जाती है और पूछती है दी क्या याद आ गया। तब यहां पर प्रीता कहती है कि अरे मुझे याद आ गया कि निधि ही मुझे मारना चाहती है। तब जाकर सृष्टि की जान में जान आता है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रीता जो है वो लूथरा हाउस जाने की जिद करती है और कहती है कि आखिर मुझे जानना है कि वो निधि मुझे क्यों मारना चाहती है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। तभी सृष्टि कहती है कि दी मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। तब यहाँ पर प्रीता गुस्सा करती है और कहती है कि ठीक है नहीं जाना है तो मैं अकेले चली जाऊंगी। तब सृष्टि कहती है रुको रुको मैं आपके साथ जाऊंगी। दूसरी तरफ सृष्टि और प्रीता निकल पड़ते हैं लूथरा हाउस के लिए। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से राजवीर जो है किस तरीके से करण जो है राजवीर पर प्यार लुटाता है और राजवीर को बताता है कि वो कितना खास है उसके लिए। वहीं दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या राजवीर और करण की ये बातचीत सुनकर बेहद इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि राजवीर में कुछ तो बात है, सब उसे पसंद करते हैं। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या राजवीर से कहती है कि हम दोनों के बीच कोई तो रिश्ता है, तभी तो तुमने मेरी जान बचाई, देखो और मैंने तुम्हें राखी भी बांधी। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर जो है निधि शौर्य को सिखाती है कि रक्षाबंधन का दिन है, आज थोड़े इमोशनल डायलॉग तो मार ही लो ताकि तुम भी घर वालों की नजरों में महान बन जाओ। वहीं शौर्य भी ऐसा ही करता है और शौर्य सबसे माफी मांगता है, क्योंकि यहां पर जो है उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए माफी नहीं मांगता है। वो इसलिए माफी मांगता है क्योंकि निधि ने उसे कहा ताकि घर वालों की नजरों में तुम्हें महान बनना है राजवीर की तरह। जैसे कि हम आपको बता दें कि शौर्य जो है वो राजवीर के साथ बदतमीजी करता है और जिस तरीके से वो काव्या की जान बचाती है, शौर्य कहता है वो ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर राजवीर मोहित को फोन करता है, मोहित जो की पलकी का भाई है, जहाँ पर वो बताता है कि काव्या को सांप ने डस लिया था। फिर क्या मोहित ये बात जोर से चिल्ला देता है स्पीकर पर। उसके बाद जो है सृष्टि फोन छीन लेती है। तभी यहाँ पर राजवीर कहता है कि मोहित तुझे चिल्लाने किसने कहा था, अब देखो सब टेंशन में आ जाएंगे ना। फिर यहाँ पर राजवीर कहता है कि सृष्टि मासी काव्या बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। तब जाकर सृष्टि की जान में जान आती है। जैसे कि आपको पता ही है कि काव्या जो है वो प्रीता की बेटी है, तो टेंशन में तो सृष्टि को आना ही था। वहीं आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लूथरा फैमिली में एक खुशियों का माहौल दिखता है, रक्षाबंधन का वाइब्स दिखता है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि सृष्टि और प्रीता लूथरा हाउस के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन क्या लूथरा हाउस वाकई में पहुंच जाएगी सृष्टि प्रीता के साथ, या फिर सृष्टि जो है यहाँ पर प्रीता को बहला फुसलाकर घर ले आएगी। सीरियल कुंडली भाग्य से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।